हेलो फ्रेंड्स, केटीएनटी का और एक वीडियो ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड आज हम लोग फिर से और एक वीडियो लेके आ गए हैं विच इज रिलेटेड टू सेफ्टी। एंड कोविड टाइम में तो ये बहुत ही ज्यादा रिक्वायर्ड है, बट आई विल से ये कोविड के अलावा भी बहुत जगह पे ये रिक्वायर्ड है। एंड बेसिकली इंडस्ट्रियल बेल्ट में तो यूज होता ही था, बट ड्यूरिंग दिस कोविड एंड कोरोना अब नॉर्मल ह्यूमन बीइंग आल्सो यूजिंग इट। सो गाइस, आज का जो टॉपिक है वो है हमारा मास्क, जो कि वेरी मच इट इज रिक्वायर्ड नाउडेज टू यूज। एंड जो पर्टिकुलर मास्क लेके हम आज आए हैं आपके सामने, जिसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, वो उसका बहुत ही क्रेज था, दैट इज N95। तो बहुत सारा टाइप का मास्क है मार्केट में अभी, FFP1, FFP2, FFP3, फिर आपका नॉर्मल 3-ply मास्क जो सर्जिकल मास्क है, 2-ply मास्क, फिर आपका N95, KN95, बहुत सारा मास्क आर देयर, क्लॉथ मास्क इज देयर, फिर दूसरा ब्रांड का भी है। तो आज हम लोग जो प्रॉपर N95 मास्क है, वेनस का V4400 नियोश अप्रूव, उसको लेके हम लोग आए हैं। एंड उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि ये कैसा होता है, हाउ द पैकेजिंग इज, एंड क्या अच्छा ये क्या बुरा ये, एंड अप्रोक्सीमेट प्राइस स्ट्रक्चर सबके बारे में बात करेंगे, एज वेल एज द एप्लीकेशन हाउ टू वेयर इट, जो आप सबको अभी पता तो है, जरूर आप लोग यूज भी करते होंगे, बट स्टिल फॉर योर नॉलेज। सो गाइज, आज जो प्रोडक्ट हम लाए हैं ये है दिस वन। ये एक व्हाइट कलर का N95 मास्क है जो कि आप देख सकते हो, एंड वेनस का ब्रांडिंग रहता है इसमें। एंड बेसिकली इट इज वेरी मच कंफर्टेबल, इसका आउटर बॉक्स ऐसा दिखता है, एंड इसमें आपका 20 मास्क रहता है एक बॉक्स में, 20 मास्क तो ऐसे रहता है। यहाँ पे आपका इसका पूरा बैजिंग दिया होगा, 25 मास्क रहता है, ऐसे आपका पूरा डिटेल्स इसमें रहता है। एंड जो चीज हम आपको बता रहे थे कि इसका जो नियोश अप्रूवल है, जो कि इधर आपका उसका बैजिंग भी आपको दिखने में लगेगा, आप देख सकते हो, चीज नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ। एंड यहाँ पे आपको उसका वेनस का एड्रेस भी मिल जाता है, एंड द बॉक्स कुछ ऐसा दिखता है, मगर इसका जो एक प्लस पॉइंट है, दैट इज जब भी आप यहाँ से ओपन करके एक मास्क निकालेंगे, सो यस, यहाँ पे आप देख सकते हो एक एक मास्क आपका सेपरेटली पैक किया हुआ है, एंड उसके साथ यहाँ पे पूरा आपका मॉडल नंबर के साथ एवरीथिंग इज मेंशन इन दिस पैकेज। एक एक पर्टिकुलर मास्क में आपका मेंशन रहता है, एंड ऑपोजिट साइड में इसका MRP भी मेंशन रहता है, जो आपको हम दिखाएंगे। तो ये मास्क हमारा खुल चुका है, इट इज अ ओपन मास्क, एंड इसका जो जो चीज है, जैसे कि इट हैज अ नोज पिन, एंड नोज पिन बहुत ही अच्छा है, सॉफ्ट एंड फ्लैट बेल्ट है, जो कि आपका नाक में नोज में हर्ट नहीं करता है। फिर आपका दो ठो बैंड्स है, यू कैन जस्ट वेयर इट लाइक दिस, एक अबव योर ईयर एंड वन इज टू योर नेक, एंड एडजस्टेबल ट्रसल है, यू कैन यूज इट एंड ऑटोमेटिकली इट गेट्स फिक्स। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसमें जो एक प्लस पॉइंट है कि इसमें आपका फॉग नहीं आता है, बिकॉज ऑफ दिस परफेक्ट कटिंग एंड फिटिंग। आपका जो जो लोग स्पेक्स पहनते हैं, जैसे मैं स्पेक्टेक्युलर पहना हूँ, चश्मे को आप जब पहनते हो तो बहुत सारा मास्क में क्या होता है, डिजाइन खराब होने की वजह से व्हेन यू आर एक्सेलिंग योर ब्रीथ, वो यहाँ पे फॉग क्रिएट करता है। तो जो इसमें नहीं होता है, आप इसको ऐसे एडजस्ट करके नाक में बिठा दीजिए एंड वेयर योर ग्लास, इट विल नॉट गिव यू अ बिग प्रॉब्लम। एंड एट द सेम टाइम इसका खोलना भी बहुत ईजी है, आप आराम से इसको ऐसे खोल सकते हो, दैट इज ऑल्सो गुड। बट यहाँ पे जो आप देख सकते हो, यहाँ पे आपका जो है ये दो पॉइंट एंड इस तरफ का दो पॉइंट, दैट इज इसमें अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग किया हुआ है, एंड दिस इज द मेन ड्रॉबैक फॉर दिस वन। जो बहुत सारा मास्क में क्या होता है कि इसमें स्टेपल रहता है, 3M का भी है एंड दूसरे अदर ब्रांड का भी है, तो इसमें और इसमें डिफरेंस वही है अबाउट द ड्यूरेबिलिटी। जैसे आप देख सकते हो, ये 4-5 दिन से ज्यादा तो पहनना नहीं चाहिए, एंड इसको आवर में भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, लाइक आप अगर बहुत धूल मिट्टी वाला जगह पे हो, जैसे कि सीमेंट प्लांट में हो, तो इट इज नॉट रिकमेंडेड टू यूज नियर अबाउट 2-3 डेज और मोर देन दैट, क्योंकि उसमें क्या होता है कि इसका फिल्ट्रेशन का जो पोर्स है ये सब ब्लॉक हो जाता है, धीरे धीरे आपको सांस लेने में दिक्कत होगा, तो दैट्स व्हाई इट इज नॉट रिकमेंडेड। बट इस नॉर्मल जैसे कोविड टाइम में हम लोग यूज करते हैं, तो ये मास्क ऐसे तो है बहुत महंगा नॉर्मल मास्क के थ्रू, बिकॉज सी द MRP, पर
पीस 95 रुपीज एमआरपी, भले वो आपको डिस्काउंट में मिलता है बट स्टिल इट्स अ बिट कॉस्टली रदर देन अदर मास्क। सो उस हिसाब से तो ये थोड़ा कॉस्टली है, तो ड्यूरेबल होना चाहिए। मगर ये जो अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग किया हुआ है, ये अगर थोड़ा भी आप इधर उधर ज्यादा जोर से पुल करते हो तो ये टूट जाता है, तो ये इसका एक डिमेरिट है। अदरवाइज इट इज वेरी वेरी मच कंफर्टेबल, क्योंकि जब से हम लोग मास्क में इन्वॉल्व हुए हैं तो वी हैव सीन अ वेरी बिग प्रॉब्लम, दैट इज द फॉगिंग इश्यूज फॉर दिस पीपल हु इज वेयरिंग ग्लास। सो दिस मास्क इज आइडियल वन फॉर देम, प्लस प्रोटेक्शन वाइज एंड इट इज वेरी मच कंफर्टेबल। द साइज इज गुड, द डिजाइन इज गुड एंड इट इज नॉट गोइंग टू हिट योर नोज, सो आप कंफर्टेबली मास्क पहन के भी बात कर सकते हो। यू कैन टेक योर ब्रेथ एंड एक्सेल इट एंड इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट ओवरऑल। सो गाइज, होपफुली ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा एंड जैसे कि आपको पता है कि आप हमसे ये ऑर्डर कर सकते हो, ऑल इंडिया डिलीवरी अवेलेबल है एंड ऑल दीज प्रोडक्ट्स एंड वेरिएशन ऑफ दीज प्रोडक्ट्स। वेनस का भी बहुत सारा सेपरेट मास्क है, लाइक नॉर्मल FFP1 मास्क है, दैट इज V44 प्लस, उसके बाद आपका V410 विथ फिल्टर, नॉट फिल्टर, विथ वाल्व एंड विदाउट वाल्व, दैट इज ऑल्सो FFP1, देन FFP2 दैट इज V420। तो ऐसे बहुत सारा मास्क है एंड ऑल ऑफ दीज आर अवेलेबल विथ अस एंड ऑल ऑफ दीज आर अवेलेबल इन अदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ऑल्सो, आप वहां से भी ऑर्डर कर सकते हो। तो गाइज, आज का जो वीडियो था ये बेसिकली N95 एंड द मॉडल नंबर इज V44004400 नियोश अप्रूव्ड इसके ऊपर था। होपफुली गाइज आपको वीडियो अच्छा लगा। अभी आप लोग कमेंट्स में बताइए कि और क्या जानना चाहते हो अबाउट दिस प्रोडक्ट और नया कोई प्रोडक्ट के बारे में, तो हम लोग उसका भी वीडियोज बनाएंगे एंड बहुत ही जल्दी हम लोग दूसरा सेफ्टी इक्विपमेंट्स के भी वीडियोस अपलोड करने वाले हैं, आपके साथ शेयर करने वाले हैं। सो ये चैनल के साथ बने रहिए एंड अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मिलते हैं अगले वीडियो।